back in time? Why? Why? अभी क्या फिक्स है वो है उल्टा सिस्टम चलता है सब अपने काम में मशगूल है अब कौन सा नया बहाना है माइक के जाने का कुछ अच्छी हो जैसे मेरी छोटी बहन के लिए रिश्ता है और उसे कल लड़के वाले देखने आ रहे तो सब घर वाले चाहते कि मैं भी जानती हूँ कोई जरूरत नहीं सिर्फ रिश्ता तय हुआ है ब्याह तो नहीं तय हो गया जो तेरा जाना जरूरी है अब कौन सा नया बहाना है मायके जाने का छोटी बहन के लिए रिश्ता है उसे कल लड़के वाले देखने आ गए दो घर पर चाहते कि मैं भी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं रिश्ता आ रहा है ब्याह तो नहीं पक्का हो गया जो तेरा जाना ज़रूरी है और वैसे भी तू चली जाती है तो इस घर का सारा काम मेरे सर पर आ जाता है रोज रोज जाना शोभा देता है क्या ठीक है पर एक बात बता तेरे घर वालों को भी चैन नहीं है ना आए दिन कोई बहाना बनाकर तुझे घर वापस बुला लेते हैं मुझे देख मेरा भी मायका है पर मैं तो इतनी बार नहीं जाती अपने मायके तूने कभी देखा क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ और तू है कि आए दिन मुँह उठा के मायके चली जाती हूँ नई नई शादी हुई है तेरी इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब मन आए जहाँ मन आए चल दी नहीं नहीं पर चल जी मैं मम्मी जी को पूछ के जाने वाली थी कोई ज़रूरत नहीं ऑनलाइन क्या ऑनलाइन क्या नहीं नहीं पर मैं तो मम्मी जी से पूछ के जाने वाली थी बहुत 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 फ्रेश हो गया नई नई शादी हुई है इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब मन आए जहाँ मन आए चल दिए कोई ज़रूरत नहीं है बस नहीं जाएगी क्यों नहीं जाएगी एंटर होना आपको तो तू इधर देख रही थी नीचे रोल रोल एक्शन तू क्यों इतना रोई भाई आंखों में से आंसू क्यों निकल रहे हैं टपक पे है मैं की रोलिंग शो एक्शन उसकी बहन का रिश्ता है इस वक्त वो अपनी बहन के पास नहीं होगी तो और कौन होगा और वो मैं उस वक्त वो अपन की उसके ये इसकी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं ये वहां नहीं रहेगी तो कौन रहेगा उसकी बहन के पास वन मोर थोड़ा बैलेंस तेरा लेफ्ट दिखा हुआ है इसकी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं ये वहाँ नहीं रहेगी अपने बहन के पास तो और कौन रहेगा और ये मायके जाएगी या नहीं जाएगी इसका फैसला तुम नहीं करोगी कभी
तू जा पुत्र, और एक दो दिन क्यों, तीन चार दिन रहकर। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं भी अपनी मनमानी करूंगी। ब्याह हो गया तो क्या हुआ, तेरे घर वालों का अब भी तुझ पर पूरा हक है। एक मिनट थोड़ा लेफ्ट में जाइए, तू बारी थोड़ी लेफ्ट में, बस उनकी तरफ बॉडी नहीं मुड़ जा, बस रोल। रोलिंग सर। एक्शन। तेरा ब्याह नहीं हुआ तो क्या हुआ, तेरे घर वालों का अब भी तुझ पर पूरा हक बनता है। लाइन बताओ बिल्कुल। तेरा ब्याह नहीं हुआ तो क्या हुआ, ब्याह हो गया तो क्या हुआ, तेरे घर वालों का अभी भी हक बनता है तेरे। तेरा ब्याह हो गया तो क्या हुआ, तेरे घर वालों का तो अब भी तुझ पर पूरा हक बनता है ना। उन्हें तेरी जरूरत हो या तुझसे कोई काम हो, तुझसे मिलने का मन करे तो तुझे तुझसे मिलना चाहिए ना। बोलते वैसे भी दो चार दिन के लिए वहाँ जाएगी तो अच्छा लगेगा, तुझे चेंज हो जाएगा। चल चल पैकिंग शुरू कर अपनी। ज्यादा स्माइल हो गया। रोल। रोलिंग शो। एक्शन। पैकिंग शुरू कर अपनी। कट इट। ओके काउंटर। तो कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ रिश्ता आया है। ब्याह तो नहीं पक्का हो गया जो तेरा जाना जरूरी है, नहीं पक्का हो गया जो तेरा जाना जरूरी है। और वैसे तू यहाँ से चली जाती है तो इस घर का सारा काम मेरे सर के ऊपर आ जाता है। रोज रोज जाना शोभा देता है क्या तुझे? ऑलरेडी बहुत बार जा चुकी तू। ओके एक्शन। तू यहाँ से चली जाती है तो इस घर का सारा काम मेरे सर पे आ जाता है। रोज रोज जाना अच्छा लगता है क्या तुझे? ऑलरेडी तू बहुत बार जा चुकी है। एक बात बता, तेरे घर वालों को भी चैन नहीं है ना। रोज किसी ने ससुराल की तरफ कोई भागी नहीं। नई शादी हुई है तेरी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू जब चाहे जहाँ चाहे। ससुराल की तरफ फर्ज है तेरा, कोई क्या है ससुराल के लिए कोई जिम्मेदारी है या नहीं। रेडी सर। ससुराल के लिए कोई फर्ज बनता है या नहीं, ये वर्मर बोल रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब चाहे जहाँ चाहे चले गए जाएगी, ये जाएगी चल के आ गया वो। हेलो, बहन को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, ये वो आ नहीं रहेगी तो कौन रहेगा? और बानी कहीं जाएगी या नहीं जाएगी इसका फैसला तू नहीं करेगी गगन। तू जा पुत्र, और एक दो दिन क्या, तीन चार दिन रह के आ। ठीक है मम्मी जी, मैं भी अपनी मनमानी करूंगी। क्या हुआ, मस्ती किया होगा? हाँ तूने मस्ती किया होगा ना, इसलिए पप्पू ने मारा। मस्ती बहुत करता है, मैं आके तेरी वाट लगाने वाला हूँ। ब्याह हो गया तो क्या हुआ, तेरे घर वालों का तो अब भी तुझ पर उतना ही हक बनता है ना। उन्हें अगर तेरी ज़रूरत है या वो तुझसे मिलना चाहते हैं तो तुझे उनसे मिलना चाहिए ना पानी। वैसे भी अच्छा नहीं, ये लाइनें बोलते हो फिर ना अंडर। अच्छा तेरा ब्याह हो गया तो क्या हो, तेरे घर वालों का तो तुझ पर अब भी उतना ही हक बनता है ना। और अगर उन्हें तेरी ज़रूरत है से मिलना एक्शन। और अगर उन्हें तेरी जरूरत है या वो तुझसे मिलना चाहते हैं तो
तुझे उनसे मिलना चाहिए ना भाई। वैसे भी दो चार दिन अपने घर में रहकर आएगी तो तुझे अच्छा लगेगा, चेंज हो जाएगा तेरे लिए। चल जा पैकिंग शुरू कर। कुछ ज्यादा स्माइल आ रही है आपके चेहरे। कहाँ से भूसा? पहले से शुरू से तेरा ब्याह हो गया तो क्या हुआ? तेरे घर वालों का तो तुझ पर अब भी उतना ही हक बनता है। अगर उन्हें तेरी ज़रूरत है या फिर वो तुझसे मिलना चाहते हैं तो तुझे उनसे मिलना चाहिए ना भाई। और वैसे भी दो चार दिन तो घर रहकर आएगी तो अच्छा लगेगा, मुझे चेंज हो जाएगा तेरे लिए। चल जा पैकिंग शुरू कर। कट रुके। सबसे पहले बताइए क्या बहाना ढूंढ रही आप इस बार मायके जाने का? मायके जाने का बहाना नहीं ढूंढ रही हूँ। इस बार मेरी बहन के लिए रिश्ता आ रहा है तो इसलिए मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं भी वहाँ पर हूँ जब उसके लिए रिश्ता आए, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। परजाई तो बोल रेस्पॉन्सिबिलिटी पीछे हट रही है, कोई ना कोई बहाना करके मायके चली ही जाती है। नहीं, मेरी परजाई जी को लग रहा है कि अगर मैं मायके चली जाती हूँ तो घर का सारा काम उनको अकेले करना पड़ता है, इसलिए वो चाह रही है कि मैं ना जाऊँ, पर मम्मी जी कहती हैं कि मुझे जाना चाहिए। आपकी सासू माँ हमेशा पॉजिटिव रही है आपकी तरफ? सीरियसली बहुत लकी हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जैसे रज्जी की तरफ उल्टा है, बुआ जी मतलब टेस्ट ले रही हैं उसके बहुत ज़्यादा, पर मेरी सासू माँ टच वुड बहुत अच्छी है। मुझे एक सवाल, जो आप प्ले कर रही हो, जो घर की बहू है अभी देख रही है, उनको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा बुरा? जब हमेशा बहाना ढूंढते हैं मायके जाने का? नहीं, बहाना नहीं, हमेशा मायके से ही फ़ोन आता है कि आज ये है तो आ जाओ, आज वो है तो आ जाओ। खुद मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे मायके जाना है। आपकी बहन का जो शुक्र समय बता दीजिए। हाँ, मेरी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो हम लोग वहाँ जाएंगे सब, तो उसके लिए देखो रिश्ता पक्का होता है नहीं होता है अभी कुछ नहीं पता ऐसा। हाँ, अमरीक देखने आया था, याद है मुझे। रिश्ता तोड़ के चला गया था और रज्जी को पसंद करके चला गया था वो। तो सारे व्यूवर्स को बानी और बानी इश्ता कलमा की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।